सुप्रभात मित्रों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने हिंदी कक्षा 9 की पाठ 1 पद लेकर के आपके लिए आया हूँ, जो कि पद जो है उसके कवि हैं संत रविदास जी। संत रविदास जी को रैदास के नाम से प्रख्यात हैं। अब पद पढ़ने से पहले हम संत रविदास जी के बारे में जान लेते हैं। संत रविदास जी का जन्म 1398 में काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, माघ पूर्णिमा के दिन रविवार के दिन इनका जो है जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है वह राहु और इनके माता का नाम जो था वह कर्मा था। इनकी पत्नी का नाम लोना था। यह जो थे एक निम्न जाति में जन्म लिए थे। यह जो इनका व्यवसाय था वह चमड़े का जूता बनाना था इनका व्यवसाय। और यह इनका व्यवसाय जो था वह पैतृक था, इनके पूर्वजों द्वारा किया जा रहा था। तो यह जो है रैदास जी भी जो है यह मंदिरों में, देवालयों में, मस्जिदों में इनका भी जो है आडंबरों के प्रति जो है विरोध था। यह भी जो है संत कबीरदास जी के समकालीन कवि थे। और इन्होंने अपना व्यवसाय जो यानी चमड़े का जूता बनाते थे। और कभी कभी जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे तो ये अपना जूता जो बनाते थे वह उनको बिना पैसा लिए ही दे देते थे। जो गरीब लोग रहते थे उनको वैसे ही दे देते थे। तो इस वजह से इनके जो माता पिता थे वह दुखी होते थे, वह ऐसा नहीं चाहते थे कि यह ऐसा करें। तो एक बार इनको जो है इसी के लिए, जो यह बिना पैसे लिए फ्री का दे देते थे, तो इसके लिए इनके माता पिता जो थे इनको घर से निकाल दिए। तो इन्होंने घर से बाहर होकर के अपना खुद का बना करके वहीं अपना जो है रोजी रोटी का, जीव का यानी काम काज, अपना व्यवसाय जो है वह चलाए। और इस तरह से इन्होंने अनेक रचनाएं भी की। इनका जो है इनकी रचनाएं रैदास के दोहे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इत्यादि अनेक रचनाएं थी। इस तरह से हिंदी जगत में इनका बहुत ही योगदान था। और इनकी मृत्यु जो है 1518 में 120 वर्ष की अवस्था में काशी यानी उत्तर प्रदेश में ही हो गई। तो अब चलिए हम इस पद का जो है अर्थ समझ लेते हैं, पद के बारे में समझ लेते हैं कि यह पद जो है रैदास जी का, तो इस पद का जो अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद में रैदास जी का अपने आराध्य, अपने ईश्वर के प्रति उनके अंदर एकदम रट लग गई है, उनके प्रति जो है समर्पित हो गए हैं, उसी के बारे में बताया गया है। अनेक उदाहरण के द्वारा तुलना करके जो है जो कवि हैं वह अपने आराध्य यानी प्रभु से जो है तुलना करके उसी के बारे में इसमें उदाहरण के द्वारा बताया गया है, जो कि हम देखते हैं आगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु रैदास जी यानी कवि जो रैदास जी हैं कहते हैं कि अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, कि आपके हे आराध्य, हे प्रभु, आपके नाम की जो मुझे रट लग गई है वह अब क्या है, छूटने वाली नहीं है, मैं आप में लीन हो गया हूं। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम क्या हो, यानी तुम चंदन हो और हम पानी। चंदन क्या है, चंदन एक सुगंधित पदार्थ है, लकड़ी होती है, एक सुगंधित लकड़ी होती है। यदि हम उस चंदन को पानी पर रगड़ते हैं तो जो उसकी खुशबू होती है यानी वह जो है एक में मिल जाता है, जाकी अंग बास बास समानी, यानी वह जो चंदन की खुशबू होती है वह पानी में मिल जाती है, एकदम उसमें घुल मिल जाती है। वैसे ही हे प्रभु मैं जो है
आपके प्यार में, आपके आराधना में एकदम मैं जो है लीन हो गया हूँ। यानी अपनी तुलना उनकी जो है, यानी चंदन की जैसे पानी में जो है लीन हो जाती, वैसे ही मैं प्रभु यानी आराध्य में जो है एकदम लीन हो गया हूँ। अगला है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यानी इसमें भी रैदास जी तुलना करते हैं कि हे प्रभु आप क्या है, यानी तुम क्या है, यानी तुम घन हो, यानी प्रभु को जो है घन अर्थात बादल, प्रभु जी आप बादल हो और वन हम मोरा, यानी वन वन जंगल है, वन हम मोरा यानी अपने आप को क्या बताए हैं, मोर, मोरा यानी मोर, यानी हे प्रभु आप बादल हैं और मैं मोर हूं। जिस तरह से बादल छा जाने पर जो है, यानी जब बादल छा जाता है तो जो जंगल में मोर नाचने लगता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो वैसे ही मैं जो है आपके प्यार में जो है आपके आराधना में एकदम लीन हो गया हूं, जैसे चितवत चंद चकोरा। यानी जिस तरह से एक चितवत, चितवत मतलब होता है देखना, चंद चकोरा का अर्थ होता है एक तीतर जाति की पक्षी होती है जो हमेशा जो है चंद्रमा की तरफ देखती रहती है। तो यानी जिस तरह से वह तीतर जात की पक्षी जो है चंद्रमा से उसका लगाव हो जाता है, वह हमेशा उसी की तरफ देखती रहती है, वैसे ही हे प्रभु आपके तरफ मेरा जो है झुका हो गया है, लगा हो गया है, मैं भी हमेशा आपके प्यार पाने के लिए तड़पता रहता हूं, देखता रहता हूं। अगला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप क्या हैं, आप दीपक हैं और मैं क्या हूं, मैं बाती हूं, यानी उस दीपक की बाती मैं हूं और आप वह दीपक हैं। एक दीपक और बाती का जो संबंध होता है, एक लगाव होता है, यानी जिस तरह से दीपक में बाती हमेशा जलती रहती है, वैसे ही एक दूसरे की जो है, पर मैं आपके अंदर जो है, जाकी ज्योति बरे दिन राती, ज्योति मतलब ज्योति, बरे यानी जलना, दिन राती यानी जिसकी ज्योति जो होती है वह दिन रात जो है जलती है, वैसे ही मैं आपका प्यार पाने के लिए, आप जो है उस ज्योति यानी उस दिवाती के समान मैं जो है आपके प्यार पाने के लिए हमेशा आप में जो है मिलना चाहता हूँ, आपकी तरह उससे आपके प्यार से प्रकाशित होना चाहता हूँ। अगला है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम क्या हो, तुम मोती हो और मैं क्या हूं, मैं धागा हूं। मोती एक सुंदर जो है आभूषण जिसका बनाया जाता है एक जो है, उसी तरह से आप जो मोती हो, मैं धागा हूं, जिसको मोती आभूषण बनाने के लिए उस धागे में पिरोया जाता है, डाला जाता है, वैसे एक दूसरे का जो संबंध हो जाए वाली धागे में डालने पे वो जो है और सुंदर होता है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस तरह से सोने को जो है सुहागा, एक क्षार द्रव्य पदार्थ होता है, सोने को शुद्ध करने के लिए जो है सुहागा का प्रयोग करते हैं, सुहागा से सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही आपका जो है मेरे ऊपर दया दृष्टि होने से मैं भी धन्य हो जाता हूं। अगला है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रह दासा। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप क्या हो, आप स्वामी हो, आप जो है प्रभु हो और मैं क्या हूं, मैं आपका दासा, दासा यानी सेवक हूं। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, ऐसी भक्त करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी ही भक्त करना चाहता हूं, यानी आप स्वामी रहे और मैं आपका जो है दास हूं। तो इस तरह से इस पूरे पद में जो है उदाहरण के द्वारा रैदास जी अपने प्रभु में जो है वह लीन है, आराध्य में जो है वह उनकी रट, उनके नाम की यानी उनके आराध्य श्री राम की उनके अंदर रट लग गई है, वह उनमें एकदम लीन हो गए हैं। इन उदाहरण देकर के, एक एक उदाहरण देकर के समझाया गया है, क्योंकि उनकी जो है वह अपने आप को पूरी तरह से प्रभु श्री राम पे समर्पित कर दिए हैं। इस पद में कुछ तुकांत शब्द आए हैं, तुकांत शब्द यानी दोनों के जो है लास्ट अंत में जो है वह शब्द समान शब्द मिलते हैं, जैसे यहां पर पानी समानी, मोरा चकोरा, बाती राती, धागा सुहागा, दासा रैदासा, यह जो है इसे हम
तुकांत शब्द कहते हैं, जिसको मैं लिख करके आपको बता दिया हूं। यानी इस पद में जो जो तुकांत शब्द आए हैं उसको आप यहां पर बता दिया हूं, और यहां पर आपके जो इसमें नए कठिन शब्द हैं उनको भी लिख दिया हूं। तो इस तरह से आज पहला जो है रैदास के पद का पहला पद जो है आपको भावार्थ जो है उसका समझा दिया हूं। आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ करके समझ